नर्मदा नदी से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करने वाली द्वारकी की टोकरी इन दिनों खाली रह रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पिछोड़ी गांव के दूसरे मछुआरों का भी कुछ यही हाल है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव नर्मदा के किनारे बसा है। नदी वर्षों से इन ग्रामीणों के लिए जीवनदायिनी रही है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। द्वारकी पुराने वक्त को याद करते हुए कहती हैं, 20 किलो बाड़स रोज औजार डाल दीता तक लगी जाती। पहले बाड़स लगी जाते तो कामन कार लग जाती थी और बड़ा बड़ा डूमर लग जाता था, बड़ी घासकार मच्छी और लग जाती 15-16 किलो की कम पानी मना भी तो वो मच्छी ना जाने कहाँ चली गई। नदी में कभी महाशीर मछली बहुतायत में देखी जाती थी, लेकिन अब यह नजर नहीं आती। सुनहरे रंग की वजह से इसे नदी की रानी और आकार और ताकत की वजह से पानी का टाइगर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने भी इसे विलुप्त प्राय माना है। इसके संरक्षण के लिए बोर्ड ने साल 2011 में महाशीर को राज्य मछली का दर्जा भी दिया। महाशीर के अलावा कई और मछलियां नर्मदा से गायब हो रही हैं। और मछली जो पहले बाम लगते थे, गेगरे लगते थे, बाड़ीस आते थे, डुमर आते थे, नलन आते थे, कलवट आती थी, खट्टिया आता था, झींगे आते थे, सब हर प्रकार की मछली आती थी। और मछली जो पहले लगती थी वो मछली अभी नहीं है। जिस गांव में मछली न मिलने से द्वारकी जैसे मछुआरों का रोजगार खत्म हो रहा है, वहीं अवैध खनन करने वालों की चांदी हो रही है। नर्मदा घाटी में अवैध रेत खनन बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है आज भी, जबकि 6/5/2015 जबलपुर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के आदेश अनुसार सख्त रोक है सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में और नर्मदा के तल में। पूरी नर्मदा को खोखली कर दी गई है और जहां मशीनों से भी गर्मी में रेत खनन होता है तो वहां पर करीबन गहरे 20 से 50 फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। जिसमें रेत खनन से नदी की पारिस्थितिकी खराब हो रही है और जलीय जीवन खत्म हो रहा है। ग्रामीण इस बात को बखूबी जानते हैं। लोगों ने खनन का विरोध कर रेत का यह टीला बचा लिया। नदी बचाने का यह संघर्ष अदालतों में भी चल रहा है, क्योंकि अवैध रेत खनन से नदी बर्बाद होती है, बहुत लोगों को समझता नहीं है। मध्य प्रदेश में जो नियम बने वो भी बहुत कमजोर बने। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पानी जमता है, जल भराव होता है, छोटा हो बड़ा हो, वहां तो रेत खनन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक जल चक्र का केंद्र होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी अगर रेत खनन करना है तो मंजूरी लेनी पड़ेगी। भूजलविद और मध्य प्रदेश वाटर मिशन के सलाहकार रहे केजी व्यास सरकार को रेत के विकल्प तलाशने की सलाह देते हैं। नदी से रेत निकालना और पानी को पर्यावरणीय प्रवाह को निकालना लगभग ऐसा है जैसे मानव शरीर में से पूरे रक्त को निकाल लेना, उसके बाद में जैसे शरीर मृत शरीर बच रहता है वैसे ही नदी जो है वो मृत रूप में बची रहती है। तो अगर नदी के पानी को निर्मल बनाना है तो जो बाहरी स्रोत से गंदगी मिल रही है वो ख़त्म होनी चाहिए और जो जीवन उसमें पनपता है, जो गंदगी को ख़त्म करता है, उसे वापस लाने की ज़रूरत है और प्रवाह को वापस लाने की ज़रूरत है। रेत को बनाए रखने की ज़रूरत है। रेत की का जो माइनिंग होता है, खनन जो होता है, उसे प्राकृतिक रूप में बनाए रखने की ज़रूरत है।